धन्यवाद है आदरणीय हमारे टिल्लू भैया जी। हाँ गरम है एक प्रयोग दिखा रही हूँ, केवल प्रयोग देखिएगा बस। हाँ अभी आपने कहा खुरपेची की कलम और क्या कलम देखे, हाँ कितनी खुरपेच करती है देख ली। हालांकि हो सकता है कि रात्रि में ये एक बार प्रसंग आया हो, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ कि प्रयोग देखें आप लोग। प्रसंग तो ना जाने कितने लोग गाते हैं, लेकिन जब प्रयोग आ जाए संजय चाचा जी और हमारे आदरणीय सम्मानित जितने भी चाचा जी बैठे हैं सुनिए। अभी आया था कैसे, हाँ गीत को ध्यान से सुनिए नहीं फिसल जाएगा। क्या पहली पहली बार बल्ले बॉलीवुड, लेकिन प्रयोग देखिए। भगवान ब्राह्मण ने तीन पर धरती मांगकर छल लिया भगवान को, राजा बलि को छल लिया। तो देखिए राजा बलि ने कहा जब मैं अपने द्वार से निकलूं या प्रवेश करूं तो आप मुझे आते जाते अपने दरवाजे पर मुझे मिले, और राजा बल के महल के 52 द्वार थे, 52 द्वार पर 52 भगवान पहरा दे रहे थे। बाबा जी पहरा दे रहे थे और लक्ष्मी जी आई राखी बांधी, राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। तो राजा बलि सोचने लगे क्या और कहने लगे राखी बांधी गई है भेजी नहीं गई है भाई। राखी लक्ष्मी जी ने राखी राजा बलि जी को बांधी और नेक कहने लगी नेक चाहिए, कहा भैया कुछ नेक दो। तो राजा बलि कहा बहन मांगो मांगो कुछ भी मांग लो, कहा तुम्हारे लिए सब हाजिर है। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। तो राजा बलि सोच रहे हैं कि आए बहन आज पहली बार क्या पहली पहली बार बलि बहुत मेहनत कर रहे हो क्या बात। राजा बलि ने कहा कि आए बहन आज तुम्हारे सामने कि पहली पहली बार बलिए और गया वचन हार बलिए। यह प्रयोग आज ये बलि वचन हार गया कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो पहली पहली बार बलिए चन्हार बलिए तो तुमको नेक चार दे।
गया कि पहली पहली बार बलिए गया बचन हार बलिए तुमको नेक चार दे दिया और अपना पहरेदार दे दिया। यह खुरपेची की कलम और क्या। हृदय से धन्यवाद है आपकी इन तालियों के लिए। ये है राजकमल खुरपेची जहाँ नसरी वहाँ फरुहा खुशी। क्या बात है यार, खुरपेची की कलम लिखती नहीं बोलती है। कि तुमको नेक चार दे दिया अपना पहरेदार दे दिया बड़ी मेहनत कर रहा है भाई आज। ये मेहनत का पुरस्कार मिल गया है आदरणीय परम सम्मानित चाचा श्री पंडित पप्पू शर्मा जी अध्यक्ष हैं आप इस ऑल इंडिया कीर्तन प्रचार मंच के। हमारे अध्यक्ष चाचा श्री पंडित पप्पू शर्मा जी, बीएल शर्मा जी, आदरणीय हमारे चाचा श्री डीके सिंह जी, संजय वर्मा जी और आप संगठन मंत्री हैं हमारे संजय भैया और हमारे आदरणीय चाचा श्री राकेश वर्मा जी आप संस्थापक हैं इस ऑल इंडिया कीर्तन प्रचार मंच के। आप सभी की ओर से ये हम सब के लिए आशीर्वाद आया है ऑल इंडिया कीर्तन प्रचार मंच की तरफ से। ये आदरणीय भैया हमारे चाचा श्री राकेश वर्मा जी संस्थापक हैं आप और हमारे लिए 201 पद मुद्राएं हैं और नाल प्रसंगत कर रहे हमारे चाचा चरण सिंह जी के लिए 100 पद मुद्राएं हैं और साउंड सर्विस बहुत सुंदर सी व्यवस्था कुशवाहा साउंड सर्विस। हाँ भैया अपना ले लो नहीं हमारे पास जमा रह जाएगा। ये 100 पद मुद्राएं साउंड सर्विस के लिए भी हैं और आदरणीय संजय सिंह राठौर यानी हमारे आदरणीय चाचा जी आपके लिए भी हैं। ले जाइए आइए एक बार जोरदार तालियां इस ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के हमारे सभी सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे टिल्लू भैया। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति कमल जी, आपने वास्तव में आनंद की बरसात कर दी है, गरम कर दिया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वास्तव में गरम है माहौल, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा ज्योति कमल के लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्योति कमल जी का ध्यान चाहूंगा। सरकार सरकार जनता को सबल कर रही है, मैं उस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूं भगवान इंद्रेश्वर नाथ की। सरकार जनता को सबल कर रही है, सरकार जनता को सबल कर रही है, तभी तो जनता अमल कर रही है, तभी तो जनता अमल कर रही है। अरे जो काम कीर्तनों में आज तक कोई नहीं कर पाया वो आपके सामने वो काम ज्योति कमल कर रही है। आएगा इन्हीं पंक्तियों के साथ आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं बड़े भैया राजू रंगीला राय रवेली। आइएगा अपने सक्षम साथियों के साथ स्वागत है। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत और उससे भी बढ़िया सवाल जवाब आप लोगों ने सुना है। और क्या मजा आ गया। बने बताया था कि मजा उधर से ही आएगा। बिल्कुल आ गया ना। बाबा के हाथ में कमंडल होना चाहिए कि बोतल होना चाहिए। हो
हालांकि हमारा एक पन्ना भर गया ज्योति कमल जी, केवल गद्य लिखते लिखते कि मैं किस किस विषय पे बोलूं। एक बात आई उधर से, इनके कोरस वाले हैं 600 रुपए रेट है, प्राण निकाले दे रहे हैं। अच्छा रेट के विषय में जानकारी है वैसे। हालांकि एक उधर से भाई साहब आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कोरस करा रहे हैं सैयद चचा, और उन्होंने कहा कि नचनिया लंदन से लाएंगे और खेत में गेहूं कटाएंगे। जाओ गेहूं काटो खेत में। अच्छा आजकल एक ट्रेड चल गया है पप्पू भैया, ऐसे लोग जब मिलते हैं तो मुझे याद आता है कि बजाने को तो झीका है, बजाने को ढोलक है, लेकिन दाढ़ी ऐसे रखे हुए जैसे जयपुर किले के युवराज यही है। ऐसा ट्रेड बन गया है लोगों का। बढ़िया बात है, जितना हो सका उन्होंने भरपूर प्रदर्शन किया, आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ है। बिल्कुल। फिर बात आई कि भैया काहे फूल रहे हो, फूले नहीं समा रहे। अरे हम फूले ठीक है लेकिन तुम ना फूले हो। अब दोनों जने समझे फूले पचकने का। बढ़िया बात है। फिर बात आई कि राखी राखी भेजी गई, राखी बांधी नहीं गई। फिर उन्होंने कहा शायद बांधी नहीं गई होगी। अब जब कर्मावती ने भेज दी चाहे बांधे चाहे ना बांधे, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक बहन ने भाई को हुमायूं को अपना भाई माना और राखी भेज दिया। बढ़िया बात है। कहां तक बाप का चिट्ठा खोले, छोड़ो जाने दो गुरु। कह रहे हैं दो कुंटल के हैं आपन माल, माल दूसरे के माल है। उसको हिनूर हीरो को हीरे को मैंने कहा कि इंडिया इंडिया, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इंडिया लंदन से लाएंगे, मैंने कहा था उस कोहिनूर हीरे को इंडिया लंदन से लाएंगे। कीर्तन है, थोड़ा बहुत अपने ज्ञान के पट खोल के बैठो, इसमें कहीं से भी उस शब्दों का वार चल सकता है। लोगों ने सोचा कि अब शायद आएगा वो कोहिनूर, पूछा यार आएगा कहां से, तब उस कोहिनूर हीरे के बारे में लोगों ने कहा कि इंडिया 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 लंदन से लाएंगे, ताज पे उसको सजाएंगे। बात अच्छी लगी नहीं इनको, क्योंकि ये ठहरे कांग्रेसी। और क्या सही कह रहे हो, लाल चोला पहने हुए सिर्फ बस। अब तख्ते ताऊत ताऊ से क्या बोले, माउस बोले हैं, पता नहीं क्या बोले हैं। अब इंडियन इंडियन लंदन को जाएंगे, पहली बार गए हैं का। बढ़िया बात है। आइए एक टुकड़ा सुनते हैं। चलो बेटे आप बहुत बढ़िया दिया, मैंने कहा कि जब विधाता अनुकूल हो जाए तो राह का कांटा फूल हो जाए। कह दिया आपने अपने पंक्ति में, कह दिया जवाब के माध्यम से कि जब मन में विश्वास हो जाए तो प्रभु का कणकण में वास हो जाए। हवाला दिया उत्तराखंड में प्रलय के दौरान कई लोग मारे गए, हालांकि उनको विश्वास नहीं था प्रभु के ऊपर इसीलिए मारे गए। अब आप ही कह रही हैं इसको, अरे कणकण में ही है भगवान। अरे पहली पहली बार बलिए पहली
दिल का करार हो गया। खुरपेची जी ने कलम क्या चला दी, ऐसा कलम चलाया कि कई लोग स्याही भरने लगे। बड़ी हल्की बात है, सुनिए। आपकी पंक्ति कह रही थी क्या, पहली पहली बार बलिए, पहली पहली बार बलिए, गया बच्चन हार बलिए, और तुमको नेक चार दे दिया है। अपना पहरेदार दे दिया है, अपना पहरेदार दे दिया, अपना पहरेदार दे दिया। लेकिन शायद आपको ज्ञात नहीं है, सम्माननीय ज्योति कमल जी, आदरणीय राजमल खोरपेची जी, आपके साथियों बारातियों ने आपको बहुत हाईलाइट कर दिया इस गीत में, खुरपेची की कलम है। लेकिन मैंने पहले बताया कि इधर भी बाबा की कलम है। अब आपने कह दिया कि तुमको नेक चार दे दिया, अपना पहरेदार दे दिया, अपनी प्रयोग। चूंकि शुक्राचार्य को ये बात पता थी, इसके पहले शुक्राचार्य जी ने सचेत किया था, सचेत किया था राजा बलि को। चूंकि राजा बलि शुक्राचार्य को बहुत मानते थे, ये दैत्यों के गुरुदेव थे, शुक्राचार्य ने सचेत किया पहले ही। तो देखिए होता क्या है, क्या बदले ना विचार बलिए, पहले ही सचेत कर दिया था, इसलिए बदले ना विचार बलिए, और नहीं लाचार बलिए। वो बलि लाचार नहीं हुआ, और प्रभु को जब उन्होंने मांगा, तीन पग मांगे तो दो पग में तो प्रभु ने पूरा ब्रह्मांड ही ले लिया। अब राजा बलि के पास कुछ बचा ही नहीं, तो देखिए होता क्या है, क्या बदले ना विचार बलिए, और नहीं लाचार बलिए। और बलि ने सारे संसार में जितने दानी हैं सबको एक नजीर दे दिया, जितने भी दानी थे सबके लिए उन्होंने एक नजीर बन करके प्रस्तुत की, देश के लिए, समाज के लिए और जन कल्याण के लिए। और किया क्या, क्या बदले ना विचार बलिए, नहीं लाचार बलिए। संसार में जितने भी दानी हैं सबको एक नजीर दे दिया, किया क्या, क्या अपना शरीर दे दिया है, अपना शरीर ब्रह्मांड दे दिया, भूमि दे दिया, लेकिन तीसरे के लिए जब राजा बलि के पास कुछ बचा ही नहीं, उन्होंने अपने स्वयं शरीर को दे दिया प्रभु को, कहा प्रभु अब इसी को आप नाप लो। तो बात आई क्या, क्या बदले ना विचार बलिए, नहीं लाचार बलिए, सब
दो पंक्तियों का अपनी तरफ से प्रयास कि राजा बलि ने संसार में जितने भी दानी हैं सबको एक नजीर दे दिया और तीसरे वक्त के बदले अपना शरीर दे दिया। ये गीत बहुत सुंदर आया है, सुनिए।